हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक को किस तरीके से ऐड कर सकते हो। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक को किस तरीके से डाल सकते हो। तो चलिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ अपने इंस्टाग्राम आईडी के लिंक को अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में डाल के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने छोड़ रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर से कर देना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को करना क्या है दोस्तों, आप सभी का जो इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है उसे कॉपी कर लेना है। दोस्तों, जो रियल तरीका है, मैंने अपने एक वीडियो बना दिया हूं कि आप इंस्टाग्राम आईडी का लिंक को किस तरीके से कॉपी कर सकते हो। तो इन वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, वहां से जाके देख लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने यूट्यूब को ओपन कर लेता हूं और लाइव प्रूफ दिखा देता हूं कि हमारे भी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक अब हमारे यूट्यूब चैनल अबाउट सेक्शन में नहीं है। तो अभी यूट्यूब ओपन करने के बाद अपने चैनल के लोगों के ऊपर क्लिक करके योर चैनल में चले जाता हूं। उनके बाद दोस्तों, यहां सबसे लास्ट में दिख रहा होगा अबाउट सेक्शन में चले जाता हूं। यहां आपको दिख रहा होगा हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में कोई भी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नहीं ऐड है। तो अभी मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी देख सकते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम का आईडी जो लिंक नहीं है यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो अपने YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में अपने Instagram आईडी का लिंक को ऐड करने के लिए आप सभी को क्या करना है दोस्तों, यहां से आप सभी को अपने Instagram आईडी का लिंक को कॉपी करने के बाद आप सभी को अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद यहां आपको सर्च में चले जाना है। सर्च में जाने के बाद यहां आपको सर्च करना होगा studio.youtube.com। चलिए दोस्तों, इस तरीके से studio.youtube.com करके सर्च करने के बाद आपके पास जो है डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ओपन भी होने देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेटवर्क थोड़ा स्लो है, उनके लिए मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। तो दोस्तों, यहां आपको साइड में दिख रहा होगा कस्टमाइजेशन का एक लोगो। तो आप सभी को इस कस्टमाइजेशन के लोगो के ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से जो है कुछ नया पेज ओपन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, जब तक ओपन भी होने देते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। तो दोस्तों, यहां आपको सबसे लास्ट में दिख रहा होगा वैसे किन्फो। तो आप सभी को वैसे किन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो उनके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां आपके पास ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। तो दोस्तों, सबसे नीचे यहां पर दिख रहा होगा प्लस एड लिंक। तो आप सभी को इस ब्लू वाले प्लस एड लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इनके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहां दो ऑप्शन दिया जाता है। तो यहां आपको बताया जा रहा है दोस्तों, आप जिस भी ऐप का मतलब जिस भी ऐप का नाम मान लिया जाए दोस्तों, आप इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डालना चाहते हैं तो आपको यहां इंस्टाग्राम लिख लेना है। अगर आप यूट्यूब का डालना चाहते हैं तो यूट्यूब लिख लेना है, या आप व्हाट्सएप का डालना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिख लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम डालना चाहता हूं। तो यहां आपको दिख रहा होगा इंटर ए टाइटल। तो आप सभी को इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहां आपको इंस्टाग्राम लिख लेना है, जैसा कि मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डालना चाहता हूं अपने यूट्यूब चैनल के अबाउट में। तो यहां मैं इंस्टाग्राम लिख लेता हूं। तो इस तरीके से इंस्टाग्राम लिखने के बाद दोस्तों, यहां आपको सभी को साइड में जो दिख रहा होगा दोस्तों, यहां आपको दिख रहा होगा URL। तो दोस्तों, URL जो अभी आप अपने यूट्यूब चैनल सॉरी दोस्तों, अपने इंस्टाग्राम आईडी का जो URL कॉपी किए हैं, तो अपनी उंगली को दबा के यहां पर आप सभी को पेस्ट कर देना है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूं। पेस्ट करने के बाद दोस्तों, आप सभी के ये दोनों देने के बाद आप सभी को साइड कोने में दिख जाएगा पब्लिश। तो आप सभी को इस ब्लू वाले साइड में पब्लिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप क्या होगा, आपके यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में आपका इंस्टाग्राम आईडी का लिंक ऐड हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से मैं बैक आ जाता हूं। बैक आने के बाद अपने फोन में YouTube को ओपन कर लेता हूं। तो ओपन करने के बाद दोस्तों, अभी देख सकते हैं कि हमारे YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारा Instagram आईडी का लिंक बिल्कुल आसान तरीके से ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने YouTube चैनल के अबाउट सेक्शन में Instagram आईडी का लिंक या किसी भी ऐप का लिंक आप इस तरीके से डाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही, फ्री मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।